हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी वॉल शेल्फ विद द हेल्प ऑफ बारबेक्यू स्टिक। सो मैंने जो बारबेक्यू स्टिक परचेज़ की है वो मैंने अमेजोन से परचेज़ की है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बारबेक्यू स्टिक से मैं पहले भी बहुत काफ़ी सारे DIY कर चुकी हूँ, सो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप प्लीज़ उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बारबेक्यू स्टिक और ग्लू गन की हेल्प चाहिए होती है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही ईजी है ये DIY बनाना, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बारबेक्यू स्टिक ली है वो सब सेम लेंथ की ली है, जो 18.5 इंच है, और ये टोटल बारबेक्यू स्टिक 18 है। सो अब मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगुलर शेप दे रही हूँ। ट्रायंगुलर शेप के बाद में यहाँ पर आपका एक अलग ही स्ट्रक्चर बन के आएगा। सो हमारा यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप कंप्लीट हो चुकी है, अब ये टोटल हेक्सागोनल शेप में आया है। सो अब मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है बारबेक्यू स्टिक को हैंडल करना, बट जब ये हम ग्लू गन से इसको स्टिक कर देते हैं बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है ये। तो अब मैं यहाँ पर रैक बनाने के लिए तीन मैंने बारबेक्यू स्टिक ली हैं और मैंने इन तीनों को एक साथ पेस्ट कर दिया है, और मैं यही चीज़ सेम प्रोसेस अपने दूसरे तरफ भी करूँगी जहाँ पर मैं उसको दूसरी रैक बनानी है। सो मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस वापस रिपीट किया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा पेस्ट हो गया है, और मैंने इसी जो मैंने रैक बनाई है सेम इसी के मेज़रमेंट का मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं और मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मेरी रैक कंप्लीट है, और अब हम लोग अब इस पे यहाँ पर पेंट करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये ब्लैक एक्रेलिक कलर का पेंट ले रही हूँ, आप चाहे तो इस पे स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक पेंट ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो वॉल है वो बहुत ही लाइट कलर की है, इसीलिए इस पे थोड़ा कंट्रास्ट कलर बहुत अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड, ब्लू, वाइट, जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग की शेल्फ बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको हैंग करते हैं। सो ये देखिए हमारी शेल्फ बिल्कुल रेडी हो गई है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये सेल्फ आपको कैसी लगी। मुझे ये सेल्फ बनाने में बहुत मज़ा आया है और मुझे बहुत प्रिटी लग रही है, आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।